हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल कुरत। तो दोस्तों, हम पे हमारे काफ़ी किसान भाइयों का कमेंट आया और काफ़ी किसान भाइयों का फ़ोन भी आता है कि अब्दुल भाई, हमारे पास में रिवर्सिबल हाइड्रोलिक पल्टी प्लाव है, वो कभी कभी क्या होता है कि अटक जाता है, यानी पूरा पल्टी नहीं होता है। काफ़ी लोगों का ऐसे कमेंट आया, तो उसको कैसे ठीक करना होता है और उसकी वजह क्या होती है, ऐसा होने की वजह क्या है, उसके लिए एक वीडियो बनाना। तो स्पेशली मैं आज मेरे उन किसान भाइयों के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो मैं आपको दिखाता हूं कि उसको कैसे ठीक करना होता है ना। तो पहले तो मैं दिखाऊं कि कैसी समस्या होती है। तो हमने ये ट्रैक्टर को स्टार्ट किया, ठीक है, हमने ये प्लाव को उठा लिया और जैसे हम ये लीवर देते हैं ना, तो ये पूरा पलटता नहीं है ना, पलटी नहीं होता है पूरा, देख सकते हैं किस तरह से ये पूरा पलटता नहीं है ना, देख सकते हैं यहाँ पे ये लीवर देने के बाद भी ऐसे अटका होता है, इस तरह से ये पूरा पलटता नहीं है। तो अब इसको ठीक करना है तो कैसे करेंगे हम, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ये 13 नंबर का नट लगा हुआ है, तो ये 13 नंबर की नट को हमें खोलना है और एक एलन की चाहिए, तो ये वाला जो नट है इसको हमें खोल लेना है कुछ इस तरह से, देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद ये जो दूसरा टेरा का जो लॉक नट है उसको हमें हल्का सा लूज करना है, और उसके बाद इसमें ये जो एलंकी लगा हुआ है ना, देख सकते हैं यहाँ पे ये एलंकी बोल्ट है, इसको हमें धीरे धीरे पहले इसको ऐसे हल्का सा खोल के देखना है एक चूड़ी, और फिर हमें इसको चला के देखना है, देख सकते हैं अभी भी ये काम नहीं कर रहा है। तो अभी हमें क्या करना है कि धीरे धीरे इसको एक चूड़ी हमने खोला वो इसको हमें टाइट कर लेना है, इसके बाद एक चूड़ी और टाइट करके देखना है हमें, धीरे धीरे इसको टाइट करना है उसकी ज़रूरत के मुताबिक, और फिर हमें देखना है कि ये पलटता भी है या नहीं। तो हमने इसका कम से कम एक चूड़ी टाइट किया, अब देखते हैं हम, तो देख सकते हैं दोस्तों ये पलट गया। अब हम दोबारा पलटा के देखते हैं, तो देख सकते हैं दोस्तों ये पलट गया, ये देख सकते हैं दोस्तों अभी ये देख सकते हैं यहाँ पे, तो देखा आपने कि ये वजह कितनी छोटी थी, और हमारे काफ़ी किसान भाई इस छोटी वजह से परेशान होते हैं। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, हम इसको अच्छे से लॉक कर लेना है ठीक उसी जगह पे, और उसके बाद इसका ये नट हमें यहाँ पे अच्छे से टाइट कर लेना है, और हमें ये वाले नट को अच्छे से लॉक करना है दोस्तों, ये जो ऊपर वाला नट है ना इसका सेटिंग खुल ना जाए, उसके बाद ये वाला नट भी हमें अच्छे से लॉक कर लेना है कुछ इस तरह से। तो बस ये इतनी सी वजह होती है जिसकी वजह से ये हाइड्रोलिक पूरा पलटी नहीं होता है और बीच में आकर अटक जाता है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इस वीडियो के माध्यम से आप अपने घर पे खुद कर सकते हो, कोई मैकेनिक के पास में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बस यही वजह होती है। तो अभी एक मरतबा और करके दिखा दे, देख सकते हैं हमने ये लीवर दिया, देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल ईजिली, तो बस यही वजह होती है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे और किसान भाइयों में भी शेयर करें, ताकि अगर उनकी भी ऐसी परेशानी है तो इस वीडियो के माध्यम से दूर हो सकती है। चलो दोस्तों, हम जल्दी मिलेंगे ऐसे ही कोई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।